भाई साहब क्या था ये। पर खैर भाई, कैसे भी करके ये मूवी 2.5 घंटे में खत्म हो चुकी है और मुझे वो ट्रॉमा से बाहर निकलने का मौका मिल चुका है। क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जीत भाई की ये चेंगेज मूवी भाई इतनी ज्यादा कंडम लगी मुझे। मूवी की कहानी एकदम से मीडियोकर है, बस एक गुंडे के ऊपर फोकस रखती है कि भाई ये गुंडा कैसे से ग्रो किया और कैसे करके उसने अपने साम्राज्य को चलाया और कैसे करके उन सारी मुश्किल को पार करके वो कैसे आखिर करके बचा। मूवी बहुत जगह पे केजीएफ वाली वाइब देती है। ये मूवी वही नरेशन पे चलती है जहां पर कि एक बंदा बैठ कर बैक स्टोरी बता रहा होता है। मूवी की अच्छी बात कि मूवी में बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। मूवी में ट्विस्ट किसी किसी जगह पे अच्छे लगेंगे, पर भाई मेन बात मूवी की खराबी, मूवी तुम्हें जो चीज बताकर बेच रही है वो चीज में है ही नहीं। मूवी में एक्शन है, थ्रिल है, सस्पेंस है, ड्रामा है, पर ये सारी चीजें तुम्हें कहीं पे फील नहीं होगी। मूवी में कॉमेडी के नाम पर कुछ भी नहीं है। मूवी में कॉमेडी करने का इन लोगों ने ट्राई भी नहीं किया है। पूरी की पूरी मूवी स्टार्टिंग से एंड तक बस सीरियस ही रहती है, जो कि तुम्हें सीरियसनेस फील नहीं होगी। एक्टिंग नो डाउट भाई अच्छी है। मूवी में गाने कहीं कहीं भी तुम्हें इंटरप्ट करेंगे। मूवी की स्टोरी बहुत ज्यादा सिंपल है और भाई इसकी स्टोरी टेलिंग यानी कि स्टोरी को किस तरह से दिखाया जाना चाहिए, इस मूवी के स्टोरी के हिसाब से इस मूवी को 1 घंटा 40 मिनट की होनी चाहिए। पर भाई ये मूवी 2.5 घंटे की है, जो कि तुम्हें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत ज्यादा खींची हुई फील होगी। मूवी में तुम्हें कहीं पे कोई भी चीज फील ही नहीं हो पाएगी। अपना हीरो डायलॉग मारेगा तुम्हें फील नहीं होगा, अपना हीरो गुंडों को मारेगा तुम्हें फील नहीं होगा, अपना हीरो सीरियस बातें करेगा तुम्हें फील नहीं होगा, तुम्हारे सामने बस मूवी चलती जा रही होगी। ये मूवी अच्छी हो जाती है अगर डायरेक्टर इसके स्टोरी टेलिंग को अच्छे तरीके से दिखाते, आई मीन की स्टोरी को अच्छे तरीके से हमारे सामने पेश करते कम समय लेकर, क्योंकि इतनी नॉर्मल सी स्टोरी को इतना लंबा खींचना वो भी बिना मतलब का एकदम टाइम वेस्ट है। मूवी को 5 में से 2.5 स्टार देना चाहूंगा और इसी के साथ मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।